फिनलैंड के प्रायोजक है। बीएमएच के मसाले अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। मसौढ़ी बाजार में लगी भीषण जाम से लोग परेशान, जाम को खत्म करने में पुलिस के छूटे पसीने। नालंदा में ससुराल पहुंच युवक ने पत्नी की गला दबाकर की हत्या, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। और बेगूसराय में एक पूर्व मुखिया के पति के घर में की गई छापेमारी, 227 कार्टून विदेशी शराब किए गए बरामद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मसौढ़ी बाजार इन दिनों जाम की समस्या से निदान पाने के लिए किसी मसीहा का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि मसौढ़ी में करीब 2 किलोमीटर तक भीषण जाम लगी रही, जिसको जाम से छुड़ाने में पुलिस के पसीने छूट गए। स्थानीय भाजपा मंडल नगर अध्यक्ष संजय केसरी ने बताया कि जाम की मुख्य वजह टेम्पो और बस स्टैंड का नहीं होना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए मुख्य रूप से नगर प्रशासन जिम्मेवार है। जब यहाँ बस स्टैंड रोड पर से टेम्पो समाप्त हो जाएगी तो मसौढ़ी का स्वतः जाम की समस्या समाप्त हो जाएगी। यानी मान लिया जाए कि मसौढ़ी का जो रोड है उस पर टेम्पो अनाधिकृत लगे हुए हैं। जी जी, नगर प्रशासक, नगर के कार्यपालक पदाधिकारी इसके लिए पूर्णतः रूप से जिम्मेवार है। ये उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वे इस मसौढ़ी को जाम से मुक्ति दिलाए। अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, सभी मेरा आग्रह है कि वे इस जाम को, आज लग रहा है कि जैसे मसौढ़ी में भयंकर जाम सुबह से त्राही त्राही कर रहा है। अभी तो बच्चे स्कूल बंद हैं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे जिस परिस्थिति में जीते हैं उसका कल्पना करना भी असहनीय है। कैसे निदान होगा इसका? निदान होगा, बस स्टैंड का निर्माण जल्द से जल्द लोग कराएं। लहेरी थाना क्षेत्र के शिवपुरी मोहल्ले में सक्रिय बदमाशों ने एक बार फिर से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। लगातार 3 दिनों से सक्रिय बदमाश इस इलाके में चोरी कर रहे हैं। वहीं चोरों ने सीआरपीएफ जवान के किराए के मकान में लाखों रुपए की चोरी कर ली। इधर घटना के बाद स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश व्याप्त है। हम गांव चले गए थे, हम गांव से आए तो ताला मेरा टूटल था। अब आए तो देखे हम अपना पर्स, तब जेवर था, कुछ भी नहीं है। नीरज पटेल से आगामी विधानसभा के बारे में पूछा गया कि कोरोना काल में चुनाव कराने का क्या औचित्य है, तो इस पर उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेवारी है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यों की चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था काफी सुदृढ़ है, साथ ही नीतीश कुमार के शासन में बेटियां भी सुरक्षित है। इस समय भयंकर कोरोना संक्रमण वायरस है, नीतीश कुमार के लिए चुनाव जरूरी है या कोरोना संक्रमण को दूर करना, बताइए क्या? देखिए, मैं सबसे पहले बिहार न्यूज प्रिंटिंग प्रेस मीडिया सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो कि कोरोना जैसे आपदा में इन लोग बहुत बड़ा रोल निभाने का काम किया है। अब जहां तक चुनाव की बात है बिहार में, तो बिहार में चुनाव करना ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बस की बात नहीं है। चुनाव करना चुनाव आयुक्त का काम है। अगर चुनाव इलेक्शन कमिश्नर अगर चुनाव कराती है समय से, तो भी मेरे सरकार पूर्ण रूपेण तैयार है। अगर समय कोरोना महामारी के बाद कराती है, फिर भी मेरे सरकार, हम लोग के प्रिय नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के लिए हर संभव तैयार हैं और उनकी सारी कार्यकर्ता युवा तैयार है, चुनाव से घबरा नहीं रहे हम लोग। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि यदि नीतीश कुमार चुनाव फिलहाल नहीं कराते हैं तो उनकी सत्ता जा सकती है। ऐसा कुछ बात नहीं है। मैं आपको बताता हूं कि अभी मैं पुनपुन प्रखंड के अकौना पंचायत के अकौना गांव में माननीय पूर्व उप प्रमुख गुड्डू सिंह के तालाब पे अभी वृक्षारोपण किया था, उसके बाद वहीं पे मैं बैठा हूं। आज से 15 साल पहले के याद कीजिए कि हमारे बेटी बहू इस ग्रामीण क्षेत्र से पुनपुन प्रखंड में पढ़ने जाती थी तो सुरक्षित लौट के आएगी कि नहीं आएगी, माता पिता को इस बात को सदैव चिंता लगा रहता था। आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अगर बेटी स्कूल में पढ़ने जाती है, अकेले भी बहू बाजार जाती है मार्केट करने, तो लोग की कोई चिंता नहीं रहती है कि मेरी बेटी बहू को कोई दिक्कत होगा और सुरक्षित आते हैं, वो खुश हैं।
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नीतीश कुमार का भी नारा है, लेकिन कितनी बेटियां सुरक्षित है बिहार में ये आपको भी बताएं। मैं आपको एक जानकारी दे देना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की विभिन्न योजना, जैसे में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे ही मुख्यमंत्री हैं जो पहला पूरे बिहार में नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया में जिन्होंने बेटी के पढ़ाने के लिए योजना बनाई कि सबसे पहले उनको पूरा किताब पूरा ड्रेस और एक साइकिल दिया जाए जिससे कि हमारे बेटी बहू पढ़ जाए। साइकिल की योजना पूरे बिहार नहीं पूरे इंडिया में सबसे पहला चलाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद विभिन्न योजनाओं जैसे कि जल जीवन हरियाली योजना, आपको एक बात के पता होगा, सारे दोस्त जो मेरी आवाज़ सुने सबको पता होगा कि जल जीवन हरियाली योजना जो चला वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया गया है और आने वाला पीढ़ी को 100 साल बाद देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसा निर्देश निकाला कि जल जीवन हरियाली योजना किया जाए कि आने वाला पीढ़ी प्रदूषण से पीड़ित न हो। ये कैसी शिक्षा व्यवस्था है मुख्यमंत्री बताएं तो कि बिना पढ़े मैट्रिक पास। देखिए ये आप लोग सब जानते हैं कि अभी कोरोना जैसे आपदा बिहार में ही नहीं पूरे विश्व में चल रही है, अगर इस समय बिहार, ये तो बिहार बोर्ड की बात रही, आप चल जाइए सेंट्रल बोर्ड में, ICIC बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड में अभी कोरोना महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए परीक्षा नहीं लेके जो परीक्षा दिए थे उस पर आधारित मार्क्स देके रिजल्ट निकाला गया कि ताकि मेरे पूरे बिहार नहीं पूरे भारत के बाल बच्चों सुरक्षित रह सकें, कोरोना की वैक्सीन आ जाएगी तो सब पूर्ण रूपेण चालू हो जाएगी। बात कोरोना संक्रमण की जाए और चिकित्सा व्यवस्था की बात जाए तो आपको भी पता होगा कि बिहार में अस्पतालों में क्या हालत है। देखिए मरीज मर रहे हैं, नेता सो रहे हैं। देखिए मरीज की जहाँ तक बात है, कोरोना में मरने की बात है, विपक्ष की काम है आरोप पर आरोप लगाते रहना। आप ये देख रहे होंगे टीवी न्यूज के माध्यम से कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है पूरे इंडिया में जहां की रिकवरी सेंटर सबसे ज़्यादा है, जबकि बिहार राज्य पूरे भारत में गरीब राज्य है। मैं आज वृक्षारोपण के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि आज बिहार एक गरीब राज्य है, इसे विशेष राज्य देने की कृपा करें ताकि बिहार में आने वाला समय किसी भी तरह का असुविधा न हो सके। एक मुझे याद है एक बार नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग की थी और इसे मोदी जी ने ठुकरा दिया, पुनः मोदी जी के साथ जाने क्या तात्पर्य? देखिए ये बड़ी ऊपर हाई लेवल की बात है कि हम राजनीतिक में पुनः किन से तालमेल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो हमारे बस की बात नहीं कि मैं उस पर कुछ कॉमेंट करना चाहता हूँ, ये सब हाई लेवल की बात है। लेकिन जहाँ तक मेरे सरकार की मांग थी वो आज भी मांग है विशेष राज्य दर्जा की, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये हम लोग को आश्वासन दिए हमारे टीम को हमारे मुखिया को कि विशेष राज्य के दर्जा तो नहीं लेकिन बिहार में विशेष पैकेज देने का काम करूंगा। शिव नारायणपुर थाना अंतर्गत रमजानीपुर पंचायत में दहेज लोभी पति और ससुर ने अपनी बहू को पहले मारा पीटा और फिर उसे फंदे से लटका दिया। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि मृतिका के पति के किसी दूसरी औरत के साथ अवैध संबंध थे और वह हमेशा अपनी पत्नी के साथ दहेज को लेकर मारपीट किया करता था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। मुंगेर जिले के संग्रामपुर प्रखंड में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने पूरे बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है और साथ ही सील भी कर दिया है। वहीं कोरोना पॉजिटिव की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी है। वहीं तारापुर अनुमंडल पदाधिकारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव का तार मिलने पर फिलहाल उस इलाके को सील कर दिया गया है। इन
इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में उत्कृष्ट रिजल्ट के लिए चर्चित शिक्षण संस्थान एलीट इंस्टीट्यूट ने नए सत्र के नामांकन की घोषणा की है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए एलीट के निदेशक अमरदीप झा गौतम ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से छात्र छात्राओं की पढ़ाई को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑनलाइन क्लास और विषय संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए एलीट के शिक्षकों की टीम इस पर काम कर रही है। लॉकडाउन में सबसे बड़ी समस्या जो हो रही है वो समस्या हो रही है एजुकेशन की। स्टूडेंट्स हों, उनके गार्जियन हों या टीचर ही क्यों ना हो, सबको इस समस्या में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या लग रही है कि सेशन बीतता जा रहा है, आगे निकलता जा रहा है और बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। और ऐसे समय में जब बच्चों के बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और बोर्ड के रिजल्ट निकलने के बाद उनकी पढ़ाई जो है थम सी गई है, एलीट संस्थान एक योजना को लेकर आया है। वो यह कि कोई भी छात्र जिनका कि बोर्ड में अपना एक रिजल्ट आया है वो अपने रिजल्ट को लेकर के स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। और इस लॉकडाउन पीरियड में हम ऑनलाइन एडमिशन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासरूम की भी बात कर रहे हैं, जिसमें कि बच्चे अपने टेंथ के रिजल्ट के आधार पर स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। इसकी प्रक्रिया यह है कि एलीट इंस्टीट्यूट का जो जीमेल वाला अकाउंट है उस पर बच्चा अपना आधार कार्ड, अपना टेंथ का एडमिट कार्ड और अपने रिजल्ट का फोटो खींच करके भेज दे, या एलीट का जो वेबसाइट है उस पर हमारा व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, उस व्हाट्सएप पे भी बच्चा अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को भेज सकता है अपने पासपोर्ट साइज के फ़ोटो के साथ। और उसमें जिस बच्चों का जितना नंबर आया है टेंथ में उसके आधार पर उन्हें एक स्कॉलरशिप भी मिलेगी और उनकी पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तो बच्चों का फिर क्लास जैसे इंस्टीट्यूट में चलता है उसे चलेगा ही, और ये मान्य रहेगा, ये स्कॉलरशिप उनके पूरे कोर्स के लिए मान्य रहेगा। भले बच्चे अभी ऑनलाइन में पढ़ाई करेंगे चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाई करेंगे, लेकिन उनका ये जो स्कॉलरशिप है ये स्कॉलरशिप मान्य रहेगा जो कि उनके टेंथ के रिजल्ट के आधार पर है। तो सबसे बड़ी चर्चा जो भी है वो यह है कि कोई भी स्टूडेंट जो कि चाहता है कि हमारी पढ़ाई हो, हमारी पढ़ाई लिखाई रुके नहीं, अबाध रहे, बाधा रहित हो, तो उसको ये लाभ उठाना चाहिए इस चीज़ का। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट जो कि 11, 12 बोर्ड का हो या आईआईटी जेई के लिए प्रिपरेशन करना हो या नीट मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना हो, आप एलीट इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पर अपना रिजल्ट भेज सकते हैं, या आप एलीट के जीमेल वाले अकाउंट पर अपना रिजल्ट भेज करके स्कॉलरशिप की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह का कोई भी चीज़ जो है आप उसका हेल्प ले सकते हैं। एलीट इंस्टीट्यूट चाहता है कि अधिक से अधिक बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाएं, जिससे कि उनकी पढ़ाई लिखाई में जो दिक्कतें हो रही हैं और इस कारण जो उनके मन में निराशा और हताशा हो रही है ये खत्म हो और बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे सुचारू रूप से चला पाए। नालंदा में दहेज की खातिर ससुराल आया युवक अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर वहां से फरार हो गया। घटना इस्लामपुर थाना इलाके के पतन बिघा गाँव की है। वही मायके पक्ष की सूचना पर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बता दें कि मामले को लेकर थाना अध्यक्ष शरद कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी की जा रही है। मेरा जो बहनोई हुए वो शाम को कल आया। अच्छा, वही रात में थोड़ा तबीयत डाउन था तो दावत बारे के बारे में बोल रहे थे, इतना दावत क्यों खा रहा है, तो तबीयत खराब रहता है कोई भी दावा खाता है, इसीलिए। कैसे मारा? ग्यारह दवा। और उसके बाद? उसके बाद घर में से उठा के डाल दिया जाकर नहर में। तन बेगाम में एक लड़की मार गई। अच्छा, हम आए यहाँ पर। कब, कौन मारा, क्या पता चला? पता तो चला उसका, उसका पति घर में बेड पर था। चुप रही ना। हाँ, पति है जो उसको मार दिया घाटे लगा के। कहाँ लेके आए हैं? बिहार शरीफ हॉस्पिटल पोस्टमार्टम जी। पति मार दिया है। हाँ। सहरसा में 40 वर्षीय व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई। सौर बाजार थाना क्षेत्र के रहीमपुर गांव की घटना ये पूरी बताई जा रही है। बता दें कि रहीमपुर गांव में कारपेंटर का काम करने के दौरान मशीन से रविंद्र शर्मा की करंट लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। मेरा नाम नंदन कुमार शर्मा हुआ, मेरा चचेरा भाई का नाम रविंद्र कुमार शर्मा, जिसकी मौत हुई है वो रहमपुर मुखिया टोला में काम करने गए थे, पूर्व मुखिया के यहाँ उसका काम करने गया था कारपेंटर का, जो कि लाइन लगने से, मशीन चलाने के टाइम लाइन लगने से उनकी मौत हो गई। श्रीमान ये
काम का रहने वाले हैं, काम पश्चिमी पंचायत का रहने वाले हैं। नाम इसका रविंदर, नाम रविंदर शर्मा नाम है पिता का, स्वर्गीय सीताराम शर्मा। ये गांव रहमपुर में जैसन प्रसाद यादव के, जैसन प्रसाद सिंह के यहाँ ही बरही का काम करते थे। उसमें ही इसको लाइन लग गया, अब बस वहीं जो है जो अपना प्राण त्याग दिए। एकंगरसराय थाना क्षेत्र के पिरोजपुर गांव में ममता को शर्मसार कर देने वाली एक वीडियो वायरल हो रही है, जहां जन्म देने के बाद निर्दयी मां ने अपने नवजात बच्ची को जिंदा पूल के नीचे फेंक दिया। नवजात की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने पानी से बच्ची को निकालकर उसकी जान बचाई। बता दें कि उस बच्ची को ग्रामीणों ने अपने पास ही रखा है और पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, ताकि उस बच्ची की पहचान हो सके। उसको कपड़ा बांटे हैं तुम्हारे साथ, तो मुंह में मुंह आ रहा, तो कितना खा रहा है क्या? हाँ, कब छिड़ना को ला ले, उसे लपेटी है, गलती में लपेटी है। बेगूसराय में एक पूर्व मुखिया के पति के घर से पुलिस ने छापेमारी कर 227 कार्टून विदेशी शराब बरामद किया है। दरअसल छौराही थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि नारायण पीपड़ पंचायत की पूर्व मुखिया के पति हीरा सहनी अवैध शराब का कारोबार करता है। इसी सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर विदेशी शराब बरामद किया। वही छापेमारी के बाद पूर्व मुखिया का पति मौके से फरार है। गुप्त सूचना पर हम और थाना प्रभारी जो है सो सूचना पर गए और छापामारी किए। 227 पेटी इंग्लिश दारू बरामद किए, 227 पेटी हीरा सहनी के घर से बरामद किए हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।